रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा 100% रेगिस्तान भी पहाड़ में ढह जाएगा। और सुने, दुबई में मंदिर बन गया तो सैलाब आ गया वहाँ पर। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी कि मैं तो नॉर्मली जब सैल्यूट करता हूँ दुनिया भर के लोगों को, मैं एक हाथ से सैल्यूट करता हूँ, पाकिस्तानियों के लिए मैं कह रहा हूँ मैं दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा हूँ। दुबई में मंदिर बन गया तो सैलाब आ गया वहाँ पर। अब पाकिस्तानी जो मर्जी, मतलब मैं क्या कहूँ, बकते रहे जो बक रहे कि भाई ये इनके मंदिर की वजह से ऐसा हुआ, तो ये तो मतलब इनको तो मंदिरों से नफरत है 47। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। आज हम जो है पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया है कि पाकिस्तान के अंदर कॉमेडी जारी है। दुबई में बारिश का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया है। बहुत बुरी वहाँ पर बाढ़ आई है कि पूरा का पूरा दुबई इस वक्त डूबा हुआ है। पूरे साल की बारिश 24 घंटे के दौरान बरस पड़ी। नकासी आपका निजाम जवाब दे गया। सुनते जाइए। अब इसमें यूएई को और दूसरे देशों को जो आसपास के हैं, ये सबक मिल रहा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अब इस हिसाब से बनाना है कि पानी की निकासी हो। सही बात है। अब आसमानी कौम की महान रिसर्च देखो आप, की जलजला यानी की भूकंप अर्थ की क्यों आता है। कान खोल कर सुनो। जमीन के नीचे वो बैल खड़े हैं, जब बैल अपना सींग से वो चेंज करते हैं जमीन को, तो जलजला आता है या जमीन हिलती है। इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान ने बोला है कि हमें चाहिए मदद। आए, आए, आए। आपदा में अवसर देखने वाला ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है दुनिया का, शहबाज शरीफ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इसको मौका लग गया कि किस तरीके से शेख से कुछ पैसे ऐंठ लूं। इसने फोन कॉल कर दिया शेख को। अरे खतरनाक लोग हैं। देखिए हमें तो अपने पांव पे खुद खड़ा होना चाहिए। कर्जा कितनी देर तक लेंगे, 75 साल से तो हम कर्जे पे ही चल रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इस चैनल पर मैं करीब 1000 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूँ, उनमें ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा वीडियो पाकिस्तान के जाहिलों के ऊपर वीडियो। एक से एक जाहिल, चाहे कोई एजुकेटेड जाहिल हो, चाहे अनएजुकेटेड जाहिल हो, चाहे पाकिस्तान की जाहिल खातूने हो, चाहे जाहिल डॉक्टर हो, चाहे जाहिल वकील हो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है इन पाकिस्तानियों को देखने के बाद में, मैंने अभी तक जो भी देखा ना, सब कम था, क्योंकि असली पाकिस्तान तो भी हमने देखा ही नहीं है। और सुने तो भाई साहब, आज सीट की पेटियां बांध लीजिए। आज आपके सामने ऐसी खातूने पेश है जिनको देखने के बाद में जहालत भी है ना, जहालत सुसाइड कर लेगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई। आप एक मंदिर बनाने से कह रही है कि वहाँ अल्लाह का अजाब आ गया, ऐसे तो पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीजें नहीं हो रही है। लेकिन ये गैर मजहब था, गैर मजहब को वहाँ पे वो तरजीह दी गई। पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम नहीं। मेरे पास इस्लामी मुल्क था, वो एक हमारा पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है मेरी बहन। हमारी एक बुनियाद शुरू हुई है वहाँ से, तो नहीं शुरू हुई जो सऊदीया है। सऊदीया की बात नहीं, अभी तो दुबई की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है अल्लाह का? जब हमारा इस्लाम, तब जब हम इस्लाम से हटके, दीन से हटके काम करेंगे तो ये काम तो होगा ही। जाहिल, जब किसी माइनॉरिटी को या गैर मुस्लिम को हम हक दे देते हैं, आखिर उनके भी इबादत उन्होंने करनी है, उनको भी अपनी इबादत गाहों की जरूरत है। वो अपने उसमें दे रहे हैं ना, दे रहे हैं अपने मुल्कों में, वो सब कुछ कर रहे हैं ना। अच्छा मेरी एक बात सुने, हम कहीं जाएं काम करने या किसी मुल्क में रहें, वो लोग मस्जिद बनाने से इनकार कर देंगे, कैसा लगेगा हमें? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा बताएं, अपने ईमान से बताएं। लगेगा ना बुरा, कि भाई हम लोग मुसलमान हैं, हमने नमाज पढ़नी है, हमने मस्जिद में जाना है, कोई अगर इस बात से इनकार कर दे कि हमने मस्जिद नहीं बनानी, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, आपको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, ऐसे उनको भी लगेगा। काम नहीं हुआ, पहले सर पे दुपट्टा भी लेना चाहिए। ये आपके लिए इस्लाम सिर्फ सर पे दुपट्टा लेना है? नहीं जी, फिर ये जरूरी नहीं है कि सर पे दुपट्टा, लेकिन जब हम इस्लाम की तबलीग शुरू करते हैं तो पहले सर पे दुपट्टा। मैं तो अभी तबलीग की बात नहीं कर रही, मैं तो दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई को छोड़े, पहले हम अपने पाकिस्तान की बात करें ना। दुबई को छोड़े, बात ये हो रही थी कि दुबई में आया सैलाब, हम उनसे मदद चाहते हैं, अभी उनको मदद की जरूरत है, हम उनसे मदद क्यों चाहते हैं बताएं मुझे। पहले तो अब दुबई के हालात खराब हो, पहले तो उनके पास एक्स्ट्रा माल था ना। क्लाइमेट चेंज है, ये है ही नहीं तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। वो सैलाब में डूबे हुए, हम तो वैसे डूबे हुए हैं। पूरे सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि वहाँ अल्लाह का अजाब आया। इस्लाम के अंदर चोरी भी गुनाह है, झूठ बोलना भी गुनाह है, हराम भी गुनाह है। एक गैर मुस्लिम को हम हक दे देते हैं तो हम कहते हैं भाई यहाँ
अल्लाह का अजाब आया है। एक संगीन गुनाह है ना जो, वो तो गुनाह है। मंदिर बना दिया, गुनाह है तो गुनाह है, गुनाह है तो गुनाह है, क्यों रे क्यों जाहिल औरतों। इसीलिए इन पाकिस्तानियों को जाहिल कहा जाता है। इनके आदमी तो जाहिल होते हैं, इनकी औरतें उनसे भी सुपर जाहिल होती है। और बहुत सारे मोमिन भाई मेरे को गालियाँ देके जाते हैं, तो भाई मेरे को क्यों गालियाँ देते हो, तुम्हारी औरतों को तो देखो ना, तुम्हारी औरतों की जहालत देखो, एक मंदिर तक को तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तभी तो आज अफगानिस्तान के अंदर 0% माइनॉरिटी है, पाकिस्तान के अंदर जहाँ 1947 में जहाँ 26% थी, आज 1.5% पे आके रह गई। और मुझे तकलीफ इस बात की सबसे ज्यादा होती है जब कुछ हिंदू भाई मुझे आगे सलाह देके जाते हैं, इन पाकिस्तानियों के साथ थोड़ा तमीज से बोला करो, इज्जत से बोला करो, आपका क्या बिगाड़ दिया, आपकी क्या दुश्मनी है। अरे भाई, जो मेरे धर्म के ऊपर वार करेगी, जो मेरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलेगी, तो क्या मुझे राइट नहीं बनता कि इसके मैं कुछ बोलूं या इसके धर्म के बारे में कुछ बोलूं। फर्क पड़ता भाई, फर्क पड़ता है। की नजर में गैर मुस्लिम इंसान नहीं है, मेरी नजर में तो है। है क्यों नहीं है? देखो हम कौन होते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज का एक मकसद बनाया है, उसके लिए जो भी है। ऐसे तुर्की के अंदर जलजला आया बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, कितनी तबाही, तब क्यों नहीं हमने कहा कि अल्लाह का अजाब आया? वो भी अल्लाह ताला का अजाब है। जब पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद को काफी काफी शहर बर्बाद हुए थे, किस कदर तबाही हुई, तो वो भी जाहिर ही बात है। जब हम नाराज होता ना, तो तभी ये निशानियां हमें दिखाता है, ये अल्लाह ताला की नाराजगी है हमारे से। बेवकूफ है कि जमीन के नीचे वो बैल खड़े हैं, जब बैल अपना सींग से वो चेंज करते हैं जमीन को, तो जलजला आता है या जमीन हिलती है। पुराने वक्तों में बुजुर्ग कहा कर नीचे बैल है, बैल है वो हिलाते हैं, तो भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, अल्लाह ताला जब अपने बंदों से नाराज होते हैं, अभी कहा गया है ना जब कियामत नजदीक होगी तो जलजले तूफान बहुत ज्यादा आएंगे, तबाहियां बहुत ज्यादा आएंगी, सूरज ग्रहण लगेगा। इन खातून को देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है बताओ मुझे। ये सब कयामत की निशानियों में से निशानियां हैं। हम या आप या कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जो हमारे आप पैगंबर रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके हैं, कहा है उन्होंने, जो फरमाया वो भी तो सच होने ना सुने। अब क्या किया जाए? अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं हम तो। अल्लाह तो कहता है मुझे याद करने के साथ साथ अपने हाथ पांव भी हिला है, इतनी अच्छी कौम में ये हम कि हमारे लिए मौजे होंगे। अब वहाँ सैलाब आया है, वो लोग उस सैलाब को कंट्रोल करने के लिए या अपने मुल्क को साफ करने के लिए अगर कुछ इकदाम नहीं करेंगे तो वो तो डूब जाएंगे बेचारे। ऐसे तो नहीं होगा ना कि वो रात को सो जाए और सुबह खुद ब खुद सब कुछ साफ हुआ हो। अब ये थोड़ी है सब कुछ पड़ा है, अब हम पकाए वगैरह बगैर हमारे मुंह में चला जाएगा, ये भी तो नहीं होता। तो मेरा मकसद है, जाहिर बात है कुछ ना कुछ इकदाम तो करने पड़ेंगे ही ना। अल्लाह का कारो वहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए। अच्छा, वहाँ मक्का भी है मदीना भी है। मक्का मदीना सऊदी अरब में, और बाढ़ आई है यूएई के अंदर गदेड़ी। ये निशानी है कि मंदिर बन गया तो आपका कयामत नजदीक है भाई। बिल्कुल, यानी अगर इंसानियत पे कोई काम होती है, गैर मुस्लिमों को हक मिलते हैं, हम कहते कयामत आ रही है, कयामत कमिंग सून, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें भी। हमने अपनी हरकतें नहीं देखी कभी, जहाँ झूठ भी गुनाह है, सजा जना भी गुनाह है, करप्शन भी गुनाह है, इन सब चीजों को हम जब ये सब हो रही होती है तब हमारे मुंह से नहीं निकलता कि कयामत नजदीक है। सही है, इतनी नफरत क्यों है गैर मुस्लिमों से ये बताएं? मुझे तो नहीं है नफरत, अगर मैं कहूँ, क्योंकि वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है, अगर देखा जाए एक तरह से वो भी इंसान है, वो अपने हिसाब से मजहब चला रहे हैं, हम अपने हिसाब से मजहब कर रहे हैं, हम अगर इस्लाम नहीं लोग हैं तो वो भी तो इंसान है ना, तो वो अपनी तरफ से अपना एक दे रहे हैं, अपनी तरफ से अपनी कोई कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हम अरब ममालिक पे उंगली उठाते हैं, आपको लगता है कि हम उनसे ज्यादा पक्के मुसलमान हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, हम पक्के मुसलमान हैं, हम भी गलती करते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे मेरी बहन, तुम कन्वर्टेड मुस्लिम हो, कन्वर्टेड मुस्लिम देख रहे हो आप? असली मुसलमान जो निमरा ने कहा ना, वही है, सऊदी अरबिया वाले, यूएई वाले, वो मोहम्मद के परिवार के वंशज है, तुम सारे के सारे कन्वर्टेड हो, और खास तौर से साउथ एशिया, और तुम सबको सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बिन सलमान यानी कि MBS अल हिंदी मस्किन कहता है, यानी कि दोयम दर्जे के कन्वर्टेड मुसलमान, और तुम उनको लानते देते हो, बेशर्मो, खुद तो शर्म कर लो, हया कर लो। हम सऊदीया पे उंगली उठा देते हैं, सऊदीया में तो कयामत की निशानियां नजर आ रही है, सऊदीया पे अल्लाह का अजाब है भाई, वहाँ पर शरीयत नाफिज है, क्राइम्स नहीं है वहाँ पर, प्रॉपर इस्लामिक कानून है, क्या मसला है? हम लोग दूसरे के ईमान को कैसे जज कर सकते हैं भाई? हम बिल्कुल भी नहीं जज कर सकते। अब वो देखें ना, अपने मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मैं तो नहीं हूँ खिलाफ के, अगर वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया है तो वो अपने लिए उन्होंने बनाया है, वो चाहते हैं कि गैर मुस्लिम अगर विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो वो उनके मुताबिक उन्होंने वहाँ पे बनाया है। तो अब देखें, अब जैसे कि हम भी लाहौर में घूम रहे हैं, इधर मंदिर बनाओ तो फिर इधर भी गैर मुस्लिम आना चाह रहे हैं तो वो आते हैं, तो हम तो नहीं ना। आए हाय, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, और अभी शुरू के अंदर सबसे पहले इसने ये कहा था कि
सऊदी अरब के अंदर कयामत आई है तो उसकी वजह यह है कि वहाँ पे मंदिर बन गया। इनसे बड़ी दोगली कौम कोई नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, ये अपना हाथ है ना, अपना हाथ कोहनियों तक ना तेल में डुबो लेना, तिल की बोरी के अंदर हाथ डाल देना और जितने तिल तुम्हारे हाथ पे चिपक जाए अगर इतनी बार भी एक मुसलमान कसम खाए तब भी उस पे यकीन मत करना। इतने बड़े झूठे और मक्कार लोग होते ही है। क्यों फिजा, सच बोला ना? हमारे मोदी जी के बारे में तमीज से बोला करो तुम भी। ठीक है जी, आजकल बहुत उड़ रही हो। कैसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा भी नंबर आएगा, चिंता मत करो। हाय हाय। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी इन पाकिस्तानी खातूनों को रगड़ते हुए जाइए, रगड़ लगा के चकाचक। और हाँ भाई लोग, आजकल आप वीडियो शेयर ही नहीं करते, वीडियो शेयर लाजमी है और लाइक करना डबल लाजमी है। और जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे जब तक फिजा की पप्पी नहीं मिलेगी आपको। बात चल रही है, उसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, चिंता मत करो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाते रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।